एनडीए गठबंधन ने भी उम्मीदवार तो तय कर दिए, लेकिन एक साथ बैठ करके नहीं, बल्कि अपने अपने हिस्से के उम्मीदवारों की घोषणा की गई। हमने आपको खबरों में बताया था कि सिर्फ आप जहां देख रहे हैं वही रास्ता नहीं है, रास्ता उसके इतर भी कई ब्रांच रोड निकल रहे हैं, और वही ब्रांच रोड कहीं ऐसा ना हो कि आगे निकल जाएं और गंतव्य तक पहुंच जाएं। तेजस्वी यादव ने एक बहुत ही कैलकुलेटेड ढंग से दो सीट अपने पास रखा है, तो दो सीटें उन्होंने वाम दल को दिया है। 2025 के चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को गेम से आउट करने के लिए चारों सीट पे अपना दबदबा बनाना चाहता है, लेकिन क्या ये संभव है? हम आपको ऐसे समझा सकते हैं कि रामगढ़ की जो सीट है उस पर लगातार राष्ट्रीय जनता दल का दबदबा रहा है। रामगढ़ सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी किस्मत आजमाई, पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन ये ऐसे उम्मीदवार को एक बार फिर से मौका दिया है। भले ही वो तीसरे नंबर पर रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने रामगढ़ की सीट पर अपना कब्जा भी जमाया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। विधानसभा की चार सीटों के उपचुनाव को लेकर के आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, उन सवालों का जवाब आप खोज रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा पूरी तरह से नहीं हो पाई है। हालांकि दोनों मुख्य गठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। एक तरफ जहां महागठबंधन एक साथ बैठ करके उम्मीदवारों की घोषणा किया और उसमें नज़र आया कि कितना कैलकुलेटेड ढंग से सब कुछ तय किया गया है, तो वही एनडीए गठबंधन ने भी उम्मीदवार तो तय कर दिए, लेकिन एक साथ बैठ करके नहीं, बल्कि अपने अपने हिस्से के उम्मीदवारों की घोषणा की गई। खैर, ये सब बातें तो होती ही रहती है, लेकिन 25 अक्टूबर को अंतिम डेट है, चार दिन और बचे हैं, और इन चार दिनों में नॉमिनेशन से पहले ही दावेदारी प्रबल हो गई है। हमने आपको खबरों में बताया था कि सिर्फ आप जहां देख रहे हैं वही रास्ता नहीं है, रास्ता उसके इतर भी कई ब्रांच रोड निकल रहे हैं, और वही ब्रांच रोड कहीं ऐसा ना हो कि आगे निकल जाएं और गंतव्य तक पहुंच जाएं। मैं बात कर रहा हूं कि ये दो गठबंधन जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि दोनों ही बिहार में अपने अपने गठबंधन को लीड कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में दोनों ने ही मिला जुला करके ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। जहां जीरो पर थे तेजस्वी यादव के गठबंधन, एक सीट मात्र कांग्रेस को आई थी, तो वहीं नीतीश कुमार जो 39 सीटों को लीड करा रहे थे 2019 में, इस बार 30 सीटों पर आए, यानी तेजस्वी यादव ने अपने प्रदर्शन और अपने दबदबे के साथ साथ अपने गठबंधन को एक मुकाम जरूर दिलाया, जिसमें शून्य से अपनी पार्टी को चार अंकों पर पहुँचाया, तो अन्य घटक दलों को भी उन्होंने सीटें दिलवाई। सबसे बड़ी बात ये हुई कि हारे हुए लोगों को बाजी जितवा करके कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की जो इंडिया गठबंधन है उसने बेहतर काम किया है। और ये सारा सब कुछ मैं बार बार बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार जो रास्ता बनाया था उसी रास्ते पे चल करके उन्होंने ये सब कुछ हासिल किया है। नीतीश कुमार ने ही गैर भाजपाई दलों को एकजुट करके और ये गठबंधन बनाया था। खैर, इसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं कि दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है, लेकिन इस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए एकजुटता जो चाहिए वो एनडीए गठबंधन में अभी तक देखने को नहीं मिला है। वहीं आपको बता दें कि जनसुराज तो एक बड़ा थ्रेट था ही, कहीं ना कहीं दोनों ही गठबंधन को प्रशांत किशोर ने इस चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की बात कह करके परेशान जरूर किया था, लेकिन वहीं हमने आपको ये भी बताया कि इस चुनाव में जो चार सीटें हैं वो लिटमस टेस्ट है इन दोनों गठबंधन के साथ साथ प्रशांत किशोर की, और प्रशांत किशोर के साथ साथ बदला लेने के भाव से उतरने वाली AIMIM का, उसने भी अनाउंस कर दिया है कि वो चारों सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेगी, तो BSP भी पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी BSP ने कड़ी टक्कर दी थी, चाहे वो रामगढ़ में ही क्यों ना हो, लेकिन खास करके जिन क्षेत्रों में चुनाव है वहाँ BSP का भी अपना एक अलग पहचान और दबदबा है। बहुत तेज़ी से आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने एक बहुत ही कैलकुलेटेड ढंग से दो सीट अपने पास रखा है, तो दो सीटें उन्होंने वाम दल को दिया है, माले को दिया है। इसका सीधा मतलब है कि विन विन कंडीशन के हिसाब से वो इस बार चाहते हैं कि तीन के जगह पर चारों सीट वो अपने कब्जे में कर लें, तो वहीं NDA गठबंधन 2025 के चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को गेम से आउट करने के लिए चारों सीट पे अपना दबदबा बनाना चाहता है, लेकिन क्या ये संभव है?
हम आपको ऐसे समझा सकते हैं कि रामगढ़ की जो सीट है उस पर लगातार राष्ट्रीय जनता दल का दबदबा रहा है। हालांकि रामगढ़ सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी किस्मत आजमाई, पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन ये ऐसे उम्मीदवार को एक बार फिर से मौका दिया है। भले ही वो तीसरे नंबर पर रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने रामगढ़ की सीट पर अपना कब्जा भी जमाया है। तो ऐसी स्थिति में अशोक सिंह बनाम अजीत सिंह का ये मुकाबला बड़ी दिलचस्प होगा। अभी जनसुराज के उम्मीदवार का नाम आना बाकी है, तो वहीं बीएसपी भी उम्मीदवार उतारेगी और एआईएमआईएम ने भी अपना ताल ठोका है। इन सभी के बीच में मुकाबला जो आमने सामने का था, प्रशांत किशोर त्रिकोणीय बना रहे थे और बीएसपी एआईएमआईएम मिल करके इसे चतुष्कोणीय बना रहे हैं। याद होगा आपको कि 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम और बीएसपी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे। उपेंद्र कुशवाहा भी उस टीम का हिस्सा थे जो लीड कर रहे थे, संयोजक वही थे उस गठबंधन के, ग्रैंड अलायंस के। बात अगर इमामगंज की करें तो यहाँ भी प्रतिष्ठा दाव पर फंसी हुई है जीतन राम मांझी की। उन्होंने अपनी बहू को टिकट दिया है और इसको लेकर के आपने देखा कि किस तरह से बड़ी ही शालीनता से मीसा भारती ने जितने भी अब तक के बयान थे जीतन राम मांझी के, उन सब बयानों को अचानक से बक्से में बंद करके उस पर ताला मार दिया है। मीसा भारती ने से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तरीके से खुल करके कहा कि हो सकता है कि उनकी बहू नहीं हो, क्योंकि बार बार परिवारवाद का थप्पा लगा करके जीतन राम मांझी लालू परिवार पर हमला करते रहे हैं, उस लालू परिवार पर जिनको कभी बड़ी बेआबरू होकर के एनडीए से निकल करके बाहर आए थे, तो उनके पुत्र को विधान परिषद में भेज करके लालू प्रसाद ने ही सम्मान दिलाया था। खैर, ये ऐसा युद्ध है राजनीति का जिसमें दोस्त और दुश्मन अस्थाई नहीं होते हैं, कभी भी कोई दोस्त और दुश्मन हो सकता है। बयानों को एक दूसरे पर पिन किए जाते हैं, तीर मारे जाते हैं और वही बयान मीठा भी लगने लगते हैं। खैर, ये सब बातें चल रही थी इमामगंज में, कहीं ना कहीं CPIML को सीट दे करके और ख़ास करके मांझी को, राजेश मांझी को उतार करके एक बड़ा गेम कर दिया है महागठबंधन ने। यहाँ जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दाव पर फंसी हुई है, दो बार से वह यहाँ चुनाव वो जीत रहे हैं, यहीं से वो जीत करके 2020 में गए थे, आज वो MP बने हैं। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी कि इमामगंज के सीट पर भले ही गया के अन्य सीटों पर वो बढ़त प्राप्त किए हों, जीते हैं तो निश्चित रूप से बढ़त प्राप्त हुई होगी, लेकिन इमामगंज जहां के वो विधायक थे वहीं उनको वोट कम आया था, यानी यहां पिछड़ गए थे। अब देखना होगा कि अपनी बहू दीपा मांझी और बिहार सरकार के मंत्री जिनके पास कई विभाग हैं, संतोष सुमन की पत्नी हैं, इनको कैसे जीता पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट कर दिया है जनसुराज ने। यहाँ से एक डॉक्टर हैं जितेंद्र पासवान, उनको उतार करके इस मांझी बनाम मांझी की लड़ाई में एक नया ट्विस्ट देने का काम किया है। और यहाँ भी आप कह सकते हैं कि नॉमिनेशन से पहले ही रिजल्ट का जोड़ घटाव वहाँ की जनता करने लगी है। यही कारण है कि लगातार हम कह रहे हैं कि किसके हाथ में बाजी जाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। प्रतिष्ठा तो दोनों की दाव पर फंसी हुई है। यहाँ दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहाँ भी AIMIM या BSP दोनों ही अपने अपने उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। देखना होगा कि क्या 2020 की तरह समझौता करके यहाँ BSP या AIMIM का कोई उम्मीदवार उतरता है और कौन होता है, इस पर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि AIMIM और BSP का भी वोट आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। कमोबेश वो इतने वोट जरूर लाते हैं जहाँ जीत हार का फैसला हो सके। आपको बता दें कि इसके अलावे बेलागंज की बात करें तो बेलागंज में भी बड़ा ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है लड़ाई। यहाँ सुरेंद्र यादव की बादशाहत, उनकी लेगेसी को संभालने के लिए उनके बेटा विश्वनाथ सिंह को सामने रखा गया है, जिसकी चर्चा हम पहले से करते आ रहे थे और डे वन से हम ये बात कह रहे हैं कि ये सीट नहीं छोड़ेंगे सुरेंद्र यादव, क्योंकि 6 बार यहाँ से वो विधायक चुने गए हैं, यहाँ की जनता के साथ उनका सीधा जुड़ाव है, तो इस जुड़ाव को वो बरकरार रखने के लिए अपने परिवार के ही किसी सदस्य को उतारेंगे। और हमने तब भी बताया था कि उनके पुत्र इसके दावेदार होंगे, वो उस लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि मनोरमा देवी को टिकट दे करके कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड ने ये बात साफ कर दी है कि वो लड़ाई में चाहे जिसे भी देना हो। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था कि उनके यहाँ ED का रेड हुआ था,
उनके संबंध जो है नक्सलियों से बताए गए थे, और भी कई चीज़ें हुई थी। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के देखना दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई को किस मोड़ में घुमाया जाता है। लेकिन यहाँ जो बेलागंज की स्थिति है, यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट कर दिया है जनसुराज ने, और खिलाफत हुसैन जो कि बहुत ही साफ सुथरी छवि और लोगों में पसंद किए जाने वाले एक प्रोफेसर हैं जो लंबे समय तक अपने जीवन का बिताए हैं इस क्षेत्र में, उनको उम्मीदवार बना करके इस लड़ाई को भी कहीं ना कहीं छीनने का कोशिश किया है और लड़ाई में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। देखना होगा कि बीएसपी और एआईएमआईएम में से कौन उतरता है। निर्दलीय तो अपनी जगह पर उतरेंगे ही। सबसे ज़्यादा लड़ाई तरारी की है। तरारी की लड़ाई में इस बार पांडे परिवार बनाम फिर से एक बार इंडिया गठबंधन यानी सीपीआईएमएल से होने जा रहा है। राजू यादव एक जाने माने नाम है, तो वहीं सुनील पांडे को लेकर के भी कौन नहीं जानता है। सुनील पांडे यहाँ तरारी क्षेत्र में उनकी तूती एक तरह से बोलती है, क्योंकि निर्दलीय भी वो चुनाव जीते हैं और इसके साथ साथ कभी दल में रह करके वो चुनाव हारे भी हैं। पत्नी को भी उन्होंने कोशिश किया था चुनाव में लड़ा करके जिताने का, लेकिन संभव नहीं हो पाया। इस बार उनके पुत्र जो हैं यहाँ मैदान में उतरे हैं, और ये भी उसी दिन से फैसला हो गया था जिस दिन अपने पुत्र के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा तो यहाँ फंसी हुई है ही, साथ ही एनडीए गठबंधन की भी प्रतिष्ठा फंसी हुई है, क्योंकि सुनील पांडे का रिश्ता सभी दलों से अच्छा है। कभी जदयू में रहा करते थे तो जदयू के साथ भी है, उनके भाई चिराग पासवान के साथ हैं तो वहाँ भी है। दूसरा, पशुपति कुमार पारस की पार्टी से तुरंत उन्होंने बाहर निकल करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, वहाँ भी उनके रिश्ते बहुत मधुर हैं। तो ये सभी बातें इशारा कर रही हैं कि यहाँ की लड़ाई भी कमज़ोर नहीं होने जा रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि आपको हमने कल ही बताया था कि यहाँ पर जनसुराज के उम्मीदवार पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। 22 जनवरी को प्रकाशित जो वोटर लिस्ट है उसके आधार पर जिसमें उसका नाम है वही वोटर होंगे और वही नॉमिनेशन भी दाखिल करेंगे, यानी उम्मीदवारी होगी। यानी जो 2022 जनवरी में 22 जनवरी को वोटर लिस्ट बनाया गया था उसी के आधार पर ये चुनाव होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में बिना हिल हुज्जत के महागठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों जगह सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय हो गया, किसी ने भी इस पर कोई आपत्ति दर्ज अभी तक नहीं की है। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी बात यह हुई है कि दोनों ही बड़े गठबंधन जो दावा कर रहे थे इसमें 3 सीट इंडिया गठबंधन के पास है और 1 सीट एनडीए गठबंधन के पास है, ये भी एक बड़ी बात है। दावा यह है कि इन सभी सीटों पर इस बार इंडिया गठबंधन अपनी पकड़ मजबूत किए हुए है और चुनाव जीतेगी। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस सीट पर लोकसभा के चुनाव में दबदबा निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन कर रहा है, और यही वो क्षेत्र है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के हाथ से फिसल गया है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से परास्त हुई है और उसके कई गढ़ ध्वस्त किए गए हैं। जैसे आपने देखा कि काराकट का क्षेत्र हो या फिर औरंगाबाद का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में गया के क्षेत्र हो, या गया को छोड़ दीजिए आप जहानाबाद की बात कर लीजिए, जहानाबाद का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों पर यहाँ तक कि बक्सर भी हाथ से निकल गया है एनडीए गठबंधन के। यानी जो 8 सीटें थी उनमें से अधिकांश सीटें 6 सीटें जो है वो हाथ से निकल चुकी हैं एनडीए गठबंधन की, और ये बड़ा एक ट्विस्ट था, बड़ी हार थी। वहीं अब उपचुनाव होने जा रहे हैं, आरा भी हार जाने के कारण जो तरारी का सीट है उस पर भी दबाव बना हुआ है। ऐसी स्थिति में वो रिकवर करना चाहेगी एनडीए गठबंधन, और उसके रिकवरी के आगे आकर के खड़े हैं प्रशांत किशोर, आकर के खड़े हैं ओवैसी, और आकर के खड़े हैं मायावती। ये सभी कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार की लड़ाई कमज़ोर नहीं होने जा रही है, और नॉमिनेशन से पहले अभी तक सभी सीटें अनाउंस नहीं हुई हैं। जैसा कि हमने बताया भी कि 25 अक्टूबर तक नॉमिनेशन का डेट है, 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, इस बीच में नामांकन की जांच 28 अक्टूबर तक होगी, 13 नवंबर को यहां वोटिंग है और 23 नवंबर को 10 दिन के बाद रिजल्ट आउट होंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किसका पलड़ा भारी है ये तय करेगा कि 2025 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, जिन्हें अपने अपने गठबंधन के नेता के रूप में सामने रखा जा रहा है, ये
कौन सा पहाड़ फोड़ते हैं इस उपचुनाव में। दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है और उनके प्रतिष्ठा पर कहीं ना कहीं दो चरतरफा जो है हमला कर रहे हैं बीएसपी, एआईएमआईएम और जनसुराज। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, हमारी नज़र लगातार बनी हुई है, जैसे जैसे अपडेट आता है वैसे वैसे हम आपको बताते रह रहे हैं। रिजल्ट निश्चित रूप से दावे सभी कर रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन फाइनल तो आपको 13 तारीख को जब वोट देने जाइएगा आप ही को करना है। वोट ज़रूर दीजिएगा क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपकी भूमिका बड़ी है और इससे ही बदलाव होता है। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।